नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। होडल थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि होडल की वाल्मीकि बस्ती निवासी कुलदीप ने शिकायत दर्ज कराई है कि 29 जून की रात करीब 10:30 बजे नीलकंठ ढाबे से फोन आया कि उसका भाई अमर घायल अवस्था में ढाबे पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि अमर बुरी तरह से लुलुहान पड़ा था और शरीर पर चोटों के निशान थे तथा बोलने की स्थिति में नहीं था। उपचार के लिए अमर को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 2 जुलाई को अमर की उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसका अमर के ढाबा मालिक व वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने मारा है, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों के हवाले कर दिया। होटल वालों ने फोन मिला के वहां कॉल की थी कि आपका लड़का यहां ऐसे ऐसी हालत में पड़ा है, बेहोशी हालत में, आप इसे ले जाओ। तब हम यहां से रात को 10:30-11 बजे करीब वहां भागे तो हमने देखा वो बाथरूम में नंगा पड़ा हुआ था और उसमें काफ़ी चोटों के निशान लगे हुए थे, जो कि हमने तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2-3 दिन बाद आज कल उसने करीब 2 बजे 1 तारीख को उसने दम दे दिया। एप्लीकेशन हमने हत्या का मामला जो ढाबा मालिक है उसने बताया था, हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे। हमें शक है पूरा ढाबा मालिक या उनके अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट करी है, और जो कि पोस्टमार्टम हो रहा है भाई का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो सारा खुलासा सामने आ जाएगा। कल एक लड़के की मौत वाल्मीकि मोहल्ले में हो गई थी। वाल्मीकि मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई ये लड़का 29 तारीख को हमें किसी होटल से लेकर आए थे, वहाँ होटल में पड़ा मिला था। होटल वालों ने उसे बताया तो उन्होंने अपना शक जाहिर किया कि होटल वालों ने मारा हो या किसी ने मार रखा, वहाँ 29 तारीख को डाल दिया हो और उसके बाद उसे उठा लिया। इस दौरान इलाज 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस पर हमने मामला दर्ज कर दिया 302 का, पोस्टमार्टम करा दिया है, तफ्तीश जारी है, असल ले तक पहुँच के जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।